अलग अलग जिलों में चाट के कॉर्नर आपको मिल जाएंगे और चाट खाने के शौकीन भी उस दुकान पर। चाट की अनगिनत विविधताएं भी देश भर में पाई जा सकती हैं, चाहे वह दही बड़ा हो या पापड़ी चाट या सेवपुड़ी। चाट की लोकप्रियता का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि आपको शहर के हर कोने और गली में चाट विक्रेता मिल जाएंगे। लेकिन कानपुर के रावतपुर क्रॉसिंग के पास एक स्ट्रीट फूड विक्रेता है जो एक अनोखी और स्वस्थ चाट बेच रहे हैं, जो सामान चाट से काफ़ी अलग है। गोपीलाल नाम का यह बुजुर्ग कानपुर में स्प्राउट्स चाट बेच रहा है। स्प्राउट चाट बनाते हुए बाबा पूरे समय मुस्कुराते नजर आते हैं। गोपीलाल बाबा कानपुर के ग्वालटोली के रहने वाले हैं। वह घर से प्रतिदिन 5 किलोमीटर दूर आकर RTO के पास अपना ठेला लगाकर चाट बेचने का काम करते हैं। गोपीलाल यहाँ पर 38 सालों से निरंतर चाट का ठेला लगा रहे हैं। बाबा की चाट काफ़ी मशहूर है। कानपुर में इन दिनों एक चाट वाले दादा का वीडियो लोगों का दिल जीत रहा है। दादा सिर्फ चाट ही नहीं बनाते बल्कि अपनी मुस्कान से लोगों का दिल भी जीत लेते हैं। ये चाट जो है दादा की बेहद ही अलग है। दादा की जो चाट है ये पौष्टिक है। इसको खाने से जो आपको किसी भी तरह की चिंतन मनन करने की आवश्यकता नहीं है। वैसे अगर आपने ये चाट नहीं खाई है तो आइए कानपुर के रावतपुर स्थित RTO दफ्तर के बाहर, जहाँ पर दादा की जो चाट है जो है इसका आनंद लीजिए। हमारे साथ में दादा बात करने के लिए दादा से बात करते हैं कि क्या क्या चाट में मिलाते हैं और नहीं। दादा क्या क्या चाट में बनाते हैं? रोग चाट, फल वगैरह, दाने वगैरह, चने वगैरह, मूंग मेथी। कब से लगा रहे हैं? 38 साल हो गए। 38 साल कितनी दूर से आते हैं? चटनी वगैरह 30 रुपया पत्ता। 30 रुपया पत्ता कितनी दूर से आते हैं यहाँ पर लगाने के लिए? 5 किलोमीटर दूर से आते हैं। 5 किलोमीटर पैदल लेकर के आते हैं रोज ठेला? और क्या दादा है, इनका साफ तौर पर कहना है कि 5 किलोमीटर दूर से यहाँ पर लोगों के जो दिन जो है कि मुस्कान को बनाने, मुस्कान जो अपनी उनकी उसके साथ ही वो लोगों का दिल बनाने के लिए 5 किलोमीटर दूर यहाँ पर RTO दफ्तर के बाहर आते हैं, यहाँ पर जो है अपना ठेला लगाते हैं। 30 रुपये में जो है वो जो है स्पोर्ट चार्ट जो है लोगों को देते हैं। कानपुर से आयुष तिवारी, न्यूज 18।